इसराइल हमास की जंग के बीच रेड सी में तनाव बढ़ रहा है। पिछले डेढ़ महीने में हूती विद्रोही करीब 24 हमले कर चुका है। ऐसे में हूती विद्रोही भारत की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक लाल सागर में लगातार तनाव बढ़ रहा है। यमन के हूती विद्रोही इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के साथ ही महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में व्यापारी जहाजों पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते से लेकर अब तक हूतियों ने लगभग 2 दर्जन व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है। हूती विद्रोही उन सभी देशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जो किसी न किसी तरह इसराइल को सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर लाल सागर इतना अहम क्यों है। दरअसल लाल सागर उन जहाजों के लिए एंट्री पॉइंट है जो स्वेज नहर का इस्तेमाल करते हैं। लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्वेज नहर है और दक्षिणी छोर पर सकरा बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य है जो अदन की खाड़ी में जाता है। एशिया यूरोप व्यापार का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर इसी इलाके से होता हुआ निकलता है। यूरोप यहां से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है जिससे हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। यहां तक कि भारत की बात करें तो हमारा 20% से भी अधिक एक्सपोर्ट इस नहर के जरिए रेड सी से होकर गुजरता है। इस रूट से होते हुए जहाज मुंबई, कोची, मैंगलुरु, चेन्नई और गोवा से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पहुंचते हैं। देश का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भी यहीं से आता है। लेकिन लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद वैश्विक व्यापार माल ढुलाई की लागत में वृद्धि का सामना कर रहा है। ऐसे में बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियां हूती विद्रोहियों के हमले के डर से अपने मालवाहक जहाज लंबे रूट पर भेज रही हैं। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को आयातित उत्पादों के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। भारत केप ऑफ गुड होप वाला समुद्री रास्ता ले सकता है जो कि स्वेज नहर के मुकाबले करीब 9000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन शिपमेंट में लगभग 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगने की वजह से खर्च भी ज्यादा होगा और सामान भी महंगा होगा। ऐसे में लंबे रूट की वजह से क्रूड ऑयल ही नहीं, वनस्पति तेल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी जैसी कई चीजें भारी मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं और उनकी कीमत बढ़ सकती है। हालांकि भारतीय नेवी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी से उतर चुका है। भारत ने यहां सर्विलांस बढ़ा दिया है, कई युद्धबोध भी उतार दिए हैं। तो वहीं अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा देश आधिकारिक तौर पर जुड़े हैं। इस चरमपंथी गुट का मकसद दुनिया से अमेरिका और इसराइल समेत पश्चिमी असर को खत्म करना है। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान का अलबोर्ज युद्धपोत लाल सागर में पहुंचा है। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता रहता है और ऐसे में लगता है कि लाल सागर में तनाव जल्द खत्म होने वाला नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।